भारत के न्यूज चैनल्स को ऐसा लग रहा है कि भारत के 135 करोड़ लोग इस समय सिर्फ सुशांत सिंह के बारे में जानना चाहते हैं, वो चीन के बारे में नहीं जानना चाहते, वो कोविड 19 के बारे में नहीं जानना चाहते। आज हम जी न्यूज पर आपको सुशांत सिंह राजपूत के दो प्राइवेट वीडियोज दिखा रहे हैं। जब आप न्यूज चैनल खोलते होंगे तो सारे दिन आपको सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ही खबरें मिलती होंगी। रिया की लाइफलाइन फेल तो अब क्या मिलेगी जी? वक्त हो गया देश के सबसे पसंदीदा शो ताल ठोके का। देश में अब जो भी न्यूज चैनल लगाओ एक ही न्यूज हर तरफ छाई है, रिया और सुशांत। मानो मीडिया के पास कोई और मुद्दा ही ना हो। अब ये बात खुद मीडिया एंकर भी मान रहे हैं कि मीडिया सारा दिन एक ही मुद्दे में व्यस्त है। हम बात कर रहे हैं जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी की। पहले आप उनके शो डीएनए के ये कुछ अंश सुनिए जिसमें वे मीडिया की आलोचना कर रहे हैं। जब आप न्यूज चैनल खोलते होंगे तो सारे दिन आपको सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ही खबरें मिलती होंगी और लगातार मीडिया आपको नॉन स्टॉप मिनट टू मिनट कवरेज सुशांत सिंह राजपूत के बारे में दे रहा है। मीडिया पर आरोप भी बहुत सारे लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब पुलिस की, इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि मीडिया ने खुद ही सारे फैसले ले लिए हैं। मीडिया ने खुद ही बता दिया है कि इसमें किस किस का हाथ है, कौन दोषी है, और अब इसमें शायद अदालतों की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में ही फैसले हो रहे हैं, वहीं पर सुनवाई हो रही है और आप लोग लगातार सुबह से लेकर रात तक सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में एक एक मिनट के अपडेट दिन भर देख रहे हैं। सुधीर जो बात बोल रहे हैं वह अगर अपने खुद के चैनल पर भी लागू करते तो अच्छा होता। बाकी के चैनल्स की तरह वह खुद तड़का लगा कर रिया की न्यूज दिखा रहे हैं और इस मुद्दे पर डिबेट भी हो रही है। सुशांत का सच क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त, एक बड़ा खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं। क्या जहर की वजह से गई सुशांत की जान? हैरान हो जाएंगे आप लोग ये खुलासा देखकर। लगभग सुशांत की मौत के 80 दिन बाद ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रिया की लाइफलाइन फेल तो अब क्या मिलेगी जी? वक्त हो गया देश के सबसे पसंदीदा शो ताल ठोके का। रिया की लाइफलाइन फेल, अब जाएंगी क्या जेल? क्योंकि इस वक्त क्या वही काउंटडाउन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में चल रहा है जहां पर रिया से 5 घंटे से ज्यादा हो चला है, पूछताछ हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया है एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। 3:23 पर यह गिरफ्तारी हुई है। सुशांत सिंह की मौत को 86 दिन हो चुके हैं, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा देश में जब कोई मीडिया सुशांत की निजी जिंदगी या रिया के बारे में कुछ अच्छा दिखाता है तो उसे ट्रोल किया जाता है। ये बात सुधीर चौधरी ने अपने शो के जरिए बताई। हमारे सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम आपके सामने क्या खबर पेश करें? वो खबर जो हमें टीआरपी देती है, वो खबर जो सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों फैंस सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और कुछ नहीं देखना चाहते, या आपको वो बताएं जो सच है? और स्थिति ऐसी हो गई है कि सच बताते हुए, सच बोलते हुए एक डर सा लगता है कि कहीं आपकी ट्रोलिंग ना होने लगे, कहीं लोग नाराज ना हो जाएं, कहीं लोगों को हो सकता है पसंद ना आए, कहीं हो सकता है कि आपके चैनल की टीआरपी बिल्कुल नीचे गिर जाए। अगर आपने सच बोल दिया तो, अगर आपने वो बता दिया जो लोग देखना नहीं चाहते, जो सुनना नहीं चाहते। सुधीर को उनके शो में सुशांत सिंह राजपूत की निजी जिंदगी पर बात करने पर ट्विटर पर काफी ट्रोल किया गया। पहले आप सुधीर का वो शो देखिए जिसकी वजह से वह ट्रोल हुए। आज हम जी न्यूज पर आपको सुशांत सिंह राजपूत के दो प्राइवेट वीडियोज दिखा रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि ये वीडियोस आपको हमें इस तरह दिखाने पड़े, लेकिन अब पूरी स्थितियों ने इस तरह का मोड़ ले लिया है कि आज हमें ये वीडियोस आपको दिखाने पड़ रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले कहा, अब स्थिति ये है कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं, सुशांत सिंह राजपूत के अपने फैंस भी हैं, उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, जो चाहते हैं कि इस कहानी की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि आप सच्चाई किसे समझते हैं? आप जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, आपका दिल जिसे मानता है आप उसे सच्चाई समझते हैं, या जो वाकई में सच है आप उसे सच समझते हैं? इसलिए आज हम आपको दो ये वीडियोस दिखा रहे हैं जो कि आप खुद तय कर लीजिए कि आप ये वीडियोस देखकर आपको क्या समझ में आता है। ये दो वीडियोस फरवरी 2020 के हैं, इससे आपको ये समझ में आएगा फरवरी के महीने में अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत का मानसिक और शारीरिक जो स्थिति थी वो कैसी थी। इस शो के बाद शेम ऑन जी न्यूज और बॉयकॉट जी न्यूज जैसे हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। लोगों ने ट्वीट कर मजाक भी बनाया इस सब का। इसके अलावा सुधीर ने डीएनए शो में एक बात कही कि मीडिया सिर्फ सुशांत के मुद्दे में ही व्यस्त है
और COVID-19 जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं देता। भारत के न्यूज चैनल्स को ऐसा लग रहा है कि भारत के 135 करोड़ लोग इस समय सिर्फ सुशांत सिंह के बारे में जानना चाहते हैं, वो चीन के बारे में नहीं जानना चाहते, वो COVID-19 के बारे में नहीं जानना चाहते, वो चीन के सीमा पर हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में भी नहीं जानना चाहते, जो जवान हमारे असली नायक हैं उनके मौत के बारे में भी नहीं जानना चाहते, क्योंकि वो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि इस कलाकार की मौत कैसे हुई। अगर सुदीप चौधरी के DNA की बात करें तो वह खुद कोविड जैसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना नहीं करते, वह खुद ही अपने DNA में सुशांत के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और आज सुबह से CBI ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू कर दी, यानी रिया चक्रवर्ती ने CBI द्वारा होने वाली पूछताछ से कुछ घंटे पहले ही कैसे मीडिया का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर लिया, अब आपको समझ में आया होगा कितनी चालाकी से उन्होंने न्यूज चैनल्स का इस्तेमाल किया और पूरे देश में उन्होंने अपना प्रचार कर दिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देश के सामने रख दिया, जिससे उन्हें कुछ सहूलियत मिल सके। रिया चक्रवर्ती के वकील ने हमें यानी जी न्यूज को भी इस इंटरव्यू का ऑफर दिया था, वो चाहते थे कि जी न्यूज पर भी ये इंटरव्यू हो जाए, लेकिन उनकी शर्त थी कि हमें उनके पक्ष में ही खबरें दिखानी होंगी, हमें उनके साथ अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी। ऐसी कोई भी शर्त पत्रकारिता के आदर्शों के खिलाफ होती है, इसलिए हमने इस इंटरव्यू के ऑफर को ठुकरा दिया। इसके अलावा अगर वे गिरती GDP पर बात भी करते हैं तब भी वे सरकार से तो कोई सवाल करते नजर नहीं आते और ना ही सरकार की कोई आलोचना करते हैं। कोरोना वायरस से देश की अर्थव्यवस्था को कितना झटका लगा है, इसका पहला आंकड़ा आज शाम को देश के सामने, दुनिया के सामने आ गया है। अप्रैल से जून के बीच, इस साल अप्रैल से जून के बीच देश की विकास दर में बहुत भारी गिरावट हुई है और ये गिरावट 23.9% यानी करीब 24% है, यानी हमारे देश की इकोनॉमी 24% नीचे चली गई है। ये वो समय था जिस समय देश पूरी तरह लॉकडाउन में था, विकास दर में ये गिरावट तो होनी ही थी, लेकिन पहले इसके 18% के आसपास गिरने का अनुमान था और ये 1996 के बाद से भारत की आर्थिक व्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट है। विकास दर या GDP अर्थव्यवस्था का वो पैमाना होता है, GDP ग्रोथ रेट या विकास दर जिसको कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोई भी देश किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ रही है। हम उम्मीद करेंगे कि सुधीर चौधरी, जिनका शो DNA लाखों लोग देखते हैं, जनता की समस्याओं को अपने शो के जरिए उठाएंगे और सरकार से सवाल करेंगे। क्या वे ऐसा करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।